हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑन योर टॉक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको लॉन्चर के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पोको जो लॉन्चर है वो एक मिनिमल सा है, लुक देता है, काफी इंटरेस्टिंग सा हम लोग का फीचर देखने को मिलता है अगर हम लोग इसे अपने फोन में यूज करते। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, कि अभी जो है मैं काफी दिनों से पोको लॉन्चर को यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि मैं काफी दिनों से पोको लॉन्चर को यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसकी जो पोको लॉन्चर की जो लास्ट वीडियो थी मैंने बनाया था आप लोगों को 25 अक्टूबर को मैंने बनाया था, जिसकी जो अपडेट वर्जन थी 2.6.1.1 की अपडेट थी। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी देखने को मिली। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रही है जो पोको लॉन्चर का जो अपडेट वर्जन था 2.6.1.1, तो दोस्तों ये वाली अपडेट जो है 25 तारीख को हम लोगों को मिली थी और मैंने 25 तारीख को वीडियो आप लोगों को बना कर दे दिया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो अपडेट है 30 तारीख को हम लोगों को मिली है। तो मैं आपको अगर प्ले स्टोर में जाकर दिखा देता हूँ पोको लॉन्चर। जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पर देख सकते हैं पोको लॉन्चर है जो मैं बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों, जो हम लोगों को वर्स न्यू वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट जो हम लोगों को 30 अक्टूबर को मिली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता था कि मैं अपने लोकेशन पर अवेलेबल था नहीं, मैं ट्रैवल में था, तो ट्रैवल में बिजी होने की वजह से दोस्तों मैं ये वाली वीडियो आप लोगों को दे नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस नए अपडेट में हम लोगों को क्या देखने को मिला। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी व्हाट्स न्यू के फीचर्स यहाँ पे दी हुई है, वो सभी हम लोग को 2.6.1.1 वाली फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। चेंज लोग यहाँ पे देखने को मिल रही है, यू कैन कस्टमाइज योर होम स्क्रीन लेआउट। तो जैसा कि हम लोग अगर अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके सेटिंग में जाएंगे और मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, तो हम लोग कस्टमाइज लिया, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से दोस्तों इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग ने मेरी उस वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने पोको लॉन्चर वाली प्लेलिस्ट को डाल दूंगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैंने पोको लॉन्चर के बारे में सभी डिटेल्स बताया है। लेकिन दोस्तों, इस वाले जो अपडेट में हम लोगों को ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिला नहीं, वही जो अपडेट हम लोगों को देखने को मिले थे 2.6.1 वाले में, सेम अपडेट दोस्तों यहाँ पे दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली, थोड़ा सा बग फिक्स इस वाले अपडेट में किया गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे एक यहाँ पे एक बग देखने को मिल रहा था, जैसा कि जब मैं अपने यहाँ पर लॉन्चर को ओपन किया और जब मैं यहाँ पर स्वाइप डाउन करता था तो मुझे यहाँ पर स्वाइप डाउन ये मेरा नहीं हो रहा था। तो मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखा देता हूँ कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने किया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने ऐप ड्रॉअर को ओपन किया, मैं वहाँ पर स्वाइप डाउन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मेरा ये स्वाइप डाउन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये वाली अपडेट, ये वाली बग मुझे देखने को मिली थी, आप टाइम देख सकते हैं 4:10 में। तो ये मुझे दोस्तों बग देखने को मिली, तो ये वाली बग मुझे देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, अब इस वाले अपडेट के बाद से दोस्तों ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन इसमें दोस्तों काफी अच्छे से किया गया, काफ़ी फास्ट रेस्पॉन्सिव हो गया, जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जितने भी बग्स दोस्तों फिक्स कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा हम लोगों को इसमें जो 3D इफेक्ट देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोगों को पता नहीं है कि हम लोग किसी भी ऐप को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसकी जो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप प्ले स्टोर पर टैप करेंगे हम लोग लॉन्ग प्रेस, हम लोग को माई एप्स की 3D इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगी। गैलरी पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग को 3D एनिमेशन देखने को मिलता है, 3D इफेक्ट। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को, जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोगों ने MI लॉन्चर को यूज़ किया है तो हम लोग वहां से किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग हाइड नहीं कर सकते, सिर्फ सिस्टम एप्लीकेशन को हम लोग वहां से हाइड करते थे। लेकिन दोस्तों, पोको लॉन्चर की मदद से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन हो या फिर सिस्टम एप्लीकेशन हो, हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को इसे हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से हम उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा जो अपडेट वर्जन है, जो मेरा दिखा देता हूँ यहाँ पे सेटिंग जाने के बाद मोर में अबाउट में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा पोको लॉन्चर का 2.6.1.3 है। तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस जब करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर होम स्क्रीन में लॉन्ग टैप करेंगे, सेटिंग वाले ऑप्शन में आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एक ऑप्शन देखने को मिल रही है हाइड ऐप आइकॉन्स। तो ये बाई डिफॉल्ट दोस्तों ये डिसेबल रहता है, तो हम लोग इसे इनेबल करना होगा। तो हम लोग ऐसे इसे इनेबल करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हम लोग टैप करके इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने में दोस्तों ये बोला हम लोग फिंगरप्रिंट देने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे एक पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का पासवर्ड जो फिंगरप्रिंट यहाँ पर ऐड हो गया है, डन मैं कर देता हूँ यहाँ से। हमें बैक करके दोस्तों यहाँ से इसे ओपन एक पैटर्न दे देता हूँ यहाँ पर, और पैटर्न देने के बाद दोस्तों फिर से उसे जाएंगे हम लोग यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में हाइड ऐप आइकॉन्स में। मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट यहाँ पर पैटर्न दे देता हूँ यहाँ पर जो भी, और दोस्तों यहाँ से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए हम लोग को नॉर्मल अपने ऐप ड्रॉअर में हम लोग को ऐप ड्रॉअर को ओपन करना है। ओपन करते दोस्तों हम लोग को दो बार स्वाइप लेफ्ट करना है, तो हम लोग का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर
हिडन फोल्डर यहाँ से ओपन हो जाएगी, और जो जैसे हिडन फोल्डर हम लोग को यहाँ से ओपन होगी तो हम लोग यहाँ पे पैटर्न पासवर्ड देने के बाद इसे यहाँ से हम लोग को ये फोल्डर खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को हाइड नहीं किया है। तो हाइड करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे और किसी भी एप्लीकेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लिक करके इसे हाइड कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर इस मैजिक्स मैनेजर को यहाँ पर चेक करके दोस्तों यहाँ से ओके कर दिए हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग हिडन वाले फोल्डर में हिडन ऐप आइकॉन में हम लोग मैजिक्स मैनेजर यहाँ पर शो कर रहा है। और दोस्तों जैसे हम लोग अपने नॉर्मल ऐप ड्रॉअर में जाएंगे दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर मैजिक्स मैनेजर देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों हम लोग अगर सर्च भी करेंगे मैजिक्स हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर से उसे अनहाइड करने के लिए फिर से अपने ऐप ड्रॉअर को ओपन करेंगे, दो बार लेफ्ट साइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग का हिडन फोल्डर ओपन हो जाएगी। हम लोग फिर पैटर्न पासवर्ड देने के बाद उसे यहाँ से हम लोग दिख जाएगी, तो फिर से हम लोग यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसे अनहाइड कर देंगे, ओके कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग हिडन फोल्डर से ये एप्लीकेशन जो है हाइड हो जाए, अनहाइड होकर हम लोग को नॉर्मल ऐप ड्रॉअर में आ जाएगी। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों इस वाले अपडेट में पोकोलम से अपडेट में हम लोग को सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिली थी, बग फिक्सेस देखने को मिली थी, लेकिन जो हिडन वाली एप्लीकेशन थी जो मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, ये वाली फीचर्स हम लोग को काफी बहुत दिन पहले मिल चुकी थी बीटा यूजर्स को, 2.6.0.6 पे दोस्तों हम लोगों को मिल चुकी थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने पोको लॉन्चर की सभी डिटेल्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज जाकर वहां से एक बार चेक कर सकते हैं, और जैसे दोस्तों आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोगों को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मिल जाएगी, तो आप लोग मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।